अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मोहसिन और आप देख रहे हैं हेल्थ विद डॉक्टर मोहसिन वाईटी चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस क्या है, व्हाट इज़ पैरालिसिस, व्हाट टाइप ऑफ पैरालिसिस, व्हाट ऑफ इटियोलॉजी ऑफ पैरालिसिस, व्हाट सिम्टम ऑफ पैरालिसिस, एंड पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस बाय होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ के मतलब जल्द अज जल्द न्यू नोटिफिकेशन हासिल हो सके। व्हाट इज़ पैरालिसिस, फालिज क्या है। फालिज इसको कहा जाता है जिसमें इंसान के जिस्म मफलूज हो जाता है, हरकत नहीं कर सकता और इंसानी जिस्म का नर्व सिस्टम तबाह हो जाता है और इंसानी दिमाग से उसका राबता मुंतका हो जाता है जिससे वो हरकत शनाख्त नहीं कर सकता। फालिज की आगे तीन इकसाम हैं, थ्री टाइप्स ऑफ फालिज। नंबर वन हेमीप्लेगिया, नंबर टू पैराप्लेगिया, नंबर थ्री पे फिशर प्लेगिया। नंबर वन हेमीप्लेगिया, इसको आधे हिस्से का फालिज कहा जाता है। इसमें इंसान के आधा हिस्सा मुतासर होता है और वो हरकत नहीं करता। नंबर टू पे है पैराप्लेगिया, इसमें इंसान की टांगों का हिस्सा मुतासर होता है और इंसानी टांगें हरकत नहीं कर सकती और इसकी वजह से इंसान चल फिर नहीं सकता। नंबर थ्री पे फिशल प्लेगिया, इसमें इंसान का चेहरा मुतासर होता है जिसमें चेहरे में बगाड़ा आ जाता है और इंसानी चेहरा बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, इससे बोलने में दुश्वारी, खाना खाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक अहम बात, अगर इंसान के जिस्म का फालिज इस तरह भी हो सकता है, अगर इंसान के दाएँ हिस्से में फालिज हो, दिमाग के दाएँ हिस्से में मुतासर हो, तो फालिज के असरात बाएं हिस्से में दिखाई देंगे। अगर बायां हिस्सा मुतासर हो दिमाग का, तो दाएं हिस्से में असरात दिखाई देंगे। उनका वजूहात एटियोलॉजी पैरालिसिस क्या है, इसकी वजूहात दिमाग और हराम मगज का कारसी होना है। नंबर टू पे है वो दिमाग और हराम मगज में थ्रोम्बोसिस आ जाना, दिमाग और हराम मगज में चोट आ जाना। मिर्गी इसकी बहुत अहम बड़ी वजह हो सकती है। एंड पे मैं आपको बताता चलूँ इसके सिम्टम्स, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या हैं। इसमें पहला हल्का सर दर्द रहना, के आना, मतली आना, कब्ज़, भींगापन शामिल हैं। अब आपको इसका मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, वो भी होम्योपैथिक के ज़रिए। ट्रीटमेंट बताने से पहले एक बात नोट कर लें, अगर ये अद्वियात की मैं पोटेंसी नहीं आपको बता रहा, वो फालिज की नियत के मुताबिक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से रब्ता करके पूछ सकते हैं। नंबर वन पे है कास्टिकम, जिल्सीनियम और कालीफास, ये शुरुआत में दी जा सकती हैं, वो पोटेंसी रेज इसी लेता हूँ। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और हेल्थ के मतलब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।